नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम जानने वाले हैं दिसंबर माह के बारे में कि दिसंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इस महीने क्या होने वाला है अच्छा हमारे साथ, किन मामलों में रुकावटों का सामना करने को मिलेगा इन 12 राशि वालों को, तो सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये महीना कितना सही है आपके लिए और कितना मुश्किल भरा है आपके लिए, उपायों के साथ जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम राशि चक्र की पहली राशि से, यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, ये महीना जो है वो आपके लिए काफी स्ट्रगल लेकर आया है, यहाँ पर आपके लिए काफी स्ट्रगल और संघर्ष बता रहा है। ये भी बता रहा है कि कोई पुराना विवाद यहाँ पर फिर से आपको परेशान कर सकता है, जहां आपको लग रहा था कि अब इस मामले से निपटारा हो ही रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, फिर से परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपकी परेशानियों का चक्र जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। अगर ये समस्या आपके कोर्ट से रिलेटेड भी है, दूसरी दिक्कतें चल रही है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो ये आपको और भी मुश्किल में डाल सकता है, मानसिक परेशानी का कारण भी बन जाएगा। जीवन साथी के साथ में यह समय जो है वो आनंद पूर्वक व्यतीत होगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है। जो व्यक्ति सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी पदों पर हैं, उनके ऊपर रिश्वत का झूठा इल्जाम यहाँ पर लग सकता है, तो यहाँ पर अगर आपकी मेष राशि है तो थोड़ा सा सतर्क रहें तो ही यहाँ पर आपके लिए लाभ हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर आपकी छवि जो है वो खराब हो सकती है। उपाय क्या करना है आपको इस महीने को शुभ बनाने के लिए, तो लौंग का ये सबसे चमत्कारी उपाय है, अगर आपने कर दिया तो यहां पर बहुत कुछ बदलने की ताकत आप रखते हैं, अगर सही तरीके से यहां पे आप इस उपाय को करते हैं तो। 5 लौंग 3 बड़ी इलायची लेकर कपूर की धुनी करनी है आपको, आरती के समय इसे आपको प्रयोग में लेना है, आपके जो भी इष्ट देवी है या देवता है उनके समक्ष। वृषभ राशि वालों, सितारों का कहना है, ग्रहों का कहना है आपके लिए कि राहु का आपकी राशि में ही गोचर, आपके सातवें स्थान में सूर्य, जिसके प्रभाव से आपके स्वभाव में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्रोध बढ़ेगा, वो भी बिना वजह का, विवाद की स्थिति बनती चली जाएगी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है, अगर वाणी पर संयम खोया आपने तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे अपनी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है, गर्भवती महिलाओं को इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय है कि शाम की आरती में कपूर को घी में भिगाकर उसके बाद आप आरती करें, इससे आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा, महीने की जो अशुभता है वो दूर होगी। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी आपको इस महीने में, कोई पुराना रुका हुआ धन जिसके ना के बराबर की उम्मीद थी लौटने की, उसका कहीं से रास्ता बन जाएगा, या फिर यूं भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो आपको इस महीने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाए। व्यापारियों के लिए यह महीना काफी अच्छा है, इस माह में आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये जो महीना है ना दिसंबर का मिथुन राशि वाला, वो आपके लिए प्रेम लाया है, प्यार लाया है, जो प्यार आपके जीवन में दस्तक देगा। जीवन में अगर आपने प्रेम का अनुभव किया होगा तो वो सबसे ज्यादा इस महीने में आप करेंगे, तो आपके जीवन में जो सच्चा प्रेम है वो इस महीने में आपको प्राप्त होने वाला है। जिन व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत चल रही थी लंबे समय से, उनको भी यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करना वो यहां से प्रारंभ करेंगे, यानी स्वास्थ्य में भी यहां पर सुधार होने के चांसेस जो हैं वह काफी बढ़ रहे हैं। उपाय करना है आपको कि गोरा चंद जो है वो अपने पास रखना है। कर्क राशि वालों, ये महीना जो पुराना तनाव चल रहा था आपके जीवन में उसको दूर करेगा, मां के स्वास्थ्य में भी यहां पर क्या नजर आएगा, सुधार नजर आएगा, जो खराब चल रहा था वो उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। धन लाभ की यहाँ पे प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। काम के विस्तार के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। संतान की प्राप्त यहाँ प्रति जो है वो नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो संतान वाले मामले में थोड़ी सी समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको इस महीने में।
कृषि संबंधित जिन भी व्यक्तियों का काम है ये महीना उनको काफी लाभ पहुंचाने वाला है। विवाह संबंधित रुकावटें जो आ रही थी उनके लिए यहाँ पर रिश्ते की बात 15 तारीख से पहले पहले पक्की होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। बाकी कुंडलियों के ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। उपाय आपके लिए उपाय जो है कर्क राशि वालों वो ये है कि 225 ग्राम मिश्री जो है सूखे खोपड़े में भरकर धर्मस्थल में आपको प्रत्येक सोमवार इस महीने के अंदर देनी है। सिंह राशि इस महीने में जोश के साथ आगे बढ़ेंगे आप, टेंशन लेवल आपका बढ़ सकता है। आपको बिल्कुल ऐसा फील होने वाला है इस महीने में जैसे आप रोलर कोस्टर की राइड ले रहे हैं। आपकी राशि का जो स्वामी है वो है सिंह और इसका चिन्ह क्या है शेर। तो यहां पर यूं कहा जाए आपके राशि का जो चिन्ह है वो शेर है, तो शेर क्या हुआ जंगल का राजा, तो आपके अंदर प्रभाव भी कैसा देखा जाएगा इस महीने, बिल्कुल शेरों जैसा प्रभाव, वही जोश आपके अंदर देखने को मिलेगा, उत्साह देखने को मिलेगा। यहां पर आप सभी चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गुरु सातवें गोचर कर रहा है आपके, तो किसी के साथ में अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो थोड़ा बहुत संभल के करिएगा, उसकी एक्टिविटीज पे थोड़ी सी नजर रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो उनके वजह से यहां पे आपके मान को हानि पहुंचे। उपाय लाल चंदन का तिलक करना है आपको ये पूरे महीने में दूध में मिक्स करके, यानी लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा आपको दूध मिक्स करके मिलाकर उसके बाद उसका तिलक करना आपको प्रारंभ करना है। कन्या राशि धन संग्रह में यहां पर वृद्धि होगी, परिवार रिश्तेदारों के यहां पर आना जाना हो सकता है और इसी आने जाने के बीच में ही लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र जिनका नौकरी से संबंधित है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश यहां पर खत्म होगी। आपके अपने जो कलीग्स हैं वो भी यहां पर आपको प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आएंगे। कंपटीशन यहां पर आपका बढ़ने वाला है, यूं कहा जाए तो आप कट थ्रोट कंपटीशन वाली स्थिति में नजर आएंगे। उपाय इस महीने की अशुभता को दूर करने के लिए आपको सूखे खोपरे में लुभान की धुनी देनी चाहिए, इस महीने में आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा, अशुभता दूर होगी। ये तो हमने जाना मेष वृषभ मिथुन कर्क और सिंह और कन्या राशि वालों के बारे में कि ये महीना उनका कैसा बीतने वाला है, क्या कहते हैं इस महीने ग्रहों की स्थितियां। बाकी की राशियों का हाल जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो इसीलिए देखना ना भूलेगा हमारा कल का प्रोग्राम जिसमें जानकारी आपको मिलेगी तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। अगर जानना चाहते हैं कैसे बीतने वाला है आपका महीना तो कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने महीने के शेड्यूल को तैयार कर सकते हैं कि क्या आपको डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। इसीलिए देखना ना भूलेगा हमारा कल का प्रोग्राम दशा महादशा का दिसंबर महीने का राशिफल यानी मासिक राशिफल। नमस्कार।